हमसे निकलेगी स्वच्छता की एक नदी, सल 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 कल 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 कल, एक धुली सी जिंदगी। गंदगी यही में तो यही है वो ग्राम पंचायत जुड़ा जी, देखो तो क्या गंदगी बहुत गंदगी यार। अरे सर कछु बंद कर रहे हैं हम गाड़ी। हाँ करो यहाँ पे सर्वे करना है अपन। हम इतने जाए थे ऊपर से ऑर्डर है ना अपन को यार, क्योंकि यार बहुत गंदगी यार। ये क्या है यार, ये सब क्या है, सकती है सब हटवा यार, कौन हटता है यार, सच्ची मच्ची कहते हैं यहाँ पर जी। अगर का साहब है आज अपने बड़े बड़े साहब यार। हाँ साहब, ये चौकीदार देखता नहीं है क्या साहब? मैं देखा क्या क्या दिखता है, देखिए लेटिंग है ना, कौन लगता है यहाँ साहब लेटिंग? हाँ और मैं देखे रहा सनक मनक में ब्याह के अंदाज जो ना लोग यहाँ देते। अच्छा तो रुक नहीं पड़ेगा बेबाक ऐसा को भाग लगा मैं साहब का कहें ऐसा क्या मतलब लेटिंग नहीं है, योजना नहीं है के लिए थी क्या? यहाँ सरपंच कहाँ है, सरपंच से पूछो साहब, वो तो सबको पता है कितने कहाँ है। सचिव तुम बताओ साहब, हम क्या जाने कक्का हम क्या जाते, हम टीम वन में क्या जाते नहीं, नहीं, नहीं। सुनो सुनो, लेटिंग तुम्हारे अंदर में बनाना का काम है ना, बनी कि नहीं बनी तो सब जाने के लिए यूज नहीं करा, को उन्हें कंडा था को उन्हें नकन्या। अब हम का कहें तुम बताओ सब, ये ज्यादा हम दांगा दास कैसे गलत साले चौकीदार तो देख ले हमारे भी लायक अब इतना आज इसीलिए आए हम लोग सर्वे करने के लिए आए हैं, देखते हैं क्या है। और तुम लोग यार रुको यार, ये तो बहुत गंदगी फैली है, देखो लेटिंग इसकी जाँच करूंगा, सुन सुन के करूंगा। चौकीदार इसका कुछ करो मैंने नौकरी आ जाएगी कदम बता रहा हूँ। देखो चौकीदार साहब बड़े साहब कितने काड़ा, हम तुम्हें कह गए पैसे मैंने क्लास पाएगा आप समझा जाओ, मैं दिखा देता मैं क्या देख लो जी हाल है। तुम लोगों का अभी यार इसी वक्त देखो साहब जी लाल धुतिया भाई देखो ये चलिए चट चट का चपले किस लिए आ रही है कभी हुआ कौन है? हाँ रुको 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 कहाँ जा रही है? इतना को क्या मतलब यहाँ सब लेटिंग हुए जाते हैं तार रोड पे। नहीं लेटिंग नहीं बनी क्या घर शौचालय की बात है कर रहे वे? अच्छा शौचालय की कर रहे हैं, तुम्हारे 12,000 रुपया जो पंचायत से निकल रहे निकले थे, हमारे श्रीमान है उन्हें दारू में पीड़ा है सब बुंदेलखंड के आदमन को। अच्छा। जी की बनाई गई सुबह इस्तेमाल नहीं कर रहा, यूज नहीं कर रहा है साले, लोग सुधरेंगे नहीं, बात तो ये है नहीं सुधर सकते ना वो, क्या वो दारू पीते हैं साले, सरकार के पैसों का गलत फायदा था वही तो है साहब, गांव में देखो कचरा तो देखो पहले तुम श्रीमान है सुबह अपने आगे लेके और पी के अच्छी बात है। हम का कहे हमें देते तो हम साहब हमसे लगे चौकी हम का कहे उनकी पति दी लगी हम का कहे साहब बताओ, लोग सुधरेंगे नहीं बात तो ये है। चलो हाँ बट ये है कि तुम लोग थोड़ा जो अपने यहाँ पे जो स्वच्छता है जो रोड वगैरह यहाँ यहाँ नहीं यहाँ से थोड़े दूर चले जाओ, ये मतलब ये बोल रहा है मतलब बड़े साहब। हाँ साहब आप दूर चले जाए वही तो बस यही कहने का मतलब, निकल जाओ तो कक्कन के एक साइड हो जाए साहब, एक साइड हो जाए निकल जाओ आप नहीं आई जो हम नहीं आए अब वहाँ से दूर जाए हम, बिल्कुल रोड पे ना बैठे वैसे निकालना ही नहीं है, वैसे तो है अगर है लेटिंग तो उसी में जाओ और जो कंडी वगैरह जो भी है वो हटाओ उसमें से हटवाओ। हाँ उसको सही से सर हम एक सर्वे के दौरान देखेंगे अभी ना मिले रोड पे तो ना सफाई मिले अच्छे से समझ रहे हो तुम लोग, कोई भी औरत हो या कोई भी हो उसको रोकना उसको समझाना है, प्यार से समझाओगे तो समझेंगे सब लोग समझेंगे। मैं साहब एक जने की घर भाई हूँ ऐसी मैंने रोक दूसरे मुझे घर आगा तो लख लाख जब से मुझे हाथों गुड़ी कपाते साहब। नहीं 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 बताओ साहब जी देखो देहाती लोग हैं थोड़े वे समझत नहीं है बात को। अच्छा अच्छा हाँ वो तो है उनको इसीलिए तो बोला उसको प्यार से समझाना चाहिए, तुम्हें पता है ऊपर प्रधानमंत्री से योजना निकली हम लोगों का प्रोसर पड़ता है बहुत ज़्यादा साहब, यही तो हम कहा से कद साहब मैं बहुत कद साहब अब वो जो गलती है क्षमा कर। हाँ तो साहब ठीक है चौकीदार थोड़ा ध्यान से देखा और तुम सचिव तुम पर एक्शन लिया जाएगा। अरे साहब देखो अब बहस होनी हुई है, लेटिंग बनवाओ
अगर कोई कंडा वंडा है उसका सर्वे करो हर महीने। हाँ सर, अब होते रहे, बिल्कुल नहीं चलेगा। जो कंडे वंडे है उस पर सख्त से सख्त एक्शन, 2000 रुपये जुर्माना कर दो सीधे, कुछ भी करना पड़े अगर खुलवाओ उनको। सब में पाएगा गाँव का चौकीदार। हाँ मैं आप पे कस्टमर का मुंगानिया देखी कंडन की बोला, ये है ना सचिव, सचिव तुम्हारे साथ सर्वे करेंगे हर महीने। तो साहब हम इनके संगे तो लगे ही नहीं हम संगे। हाँ सर, अब आइंदा से नहीं आपको ये मिलेगी। हाँ, आप आना तो 2 महीने बाद हमारा गांव आपको चमकता हुआ दिखेगा। चलो हाँ, तो आपको छोड़ दें। चलो 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 सर, इस साइड चल रहे हैं गांव के पिछवाड़े में। हाँ, और भी सर्वे करना है ना वो आदमी। चलो यहाँ से देखेंगे और सीधे निकल जाएंगे ग्राम पंचायत। स्वच्छ भारत का इरादा, इरादा कर लिया हमने देश से अपनी वादा, ये वादा कर लिया। आप देखो देखो बच्चा चलो आउट, गाड़ी रोके सर। रुको, किस लिए आ रहे हैं यार? पूछ लो यार साहब उनसे क्या खिलाने यार, इस वाले के पूछना है क्या। रुको थी आ जाती, रुको अपन देखते हैं। किधर गए थी हगबे? हगबे हगबे का मतलब हगबे? लैटिन क्या है? लैटिन क्या है? कहाँ हुई? उतर हुई साहब, देख नहीं का भाई। क्यों हगते हो बाहर? घर है नहीं क्या? शौचालय सब बनी तो है। हाँ फिर अब्बा कहा है इतना बसात है, वह दद्दा कल्ला गाँव जहाँ गए तो बसात है। सुनो क्या है, उस पर बीमारी फैलती है उससे। और तुम अगर नहीं ऐसा नहीं करोगे तो बीमारी बहुत फैलेंगी और बीमार ऐसे पड़ते जाएंगे। तुम्हें पता है अभी किस वायरस कौन सा कोरोना वायरस वही से फैलो साहब से पूछ लो। सब चीज़ें उसी से आती हैं। फिर क्या कहें साहब? अरे नहीं उसको यूज करो, और अगर ज़्यादा बदबू आती है तो उस पर पाइप लगाओ, एक ऊपर ऊपर पाइप हवा में चली जाएगी उसकी बदबू। जो बोल रहा साहब बड़े, चलो ठीक है देखाते हैं साहब, वो अच्छी बनवा लेते ना। हाँ वो गैस इतनी ख़राब भी नहीं होती है, उसको यूज करो अच्छे से। अरे साहब बहुत बसात कितनी होती। हाँ वो तो पता है। अब तो मैं तो ऊपर है तो तू से मंजल पे तो मैं कहा नीचे हगा तो हो तुम ऊपर से। अरे नहीं 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 तो मैं कहा उनको गया। हम लोग सेफ है ना, तुम लोग कहाँ हो? तुम लोग रोज ना तुम्हें बड़ा पाइप लगवा लीजो। हाँ वो हर महीने बड़ा लगवा लीजिए, हर महीने पे तुम्हारे देखो डॉक्टर के पास जाते हो तो उसमें भी पैसे लगते कि नहीं लगते? हाँ लगाते हैं। हाँ तो वही तो बीमारी पूरी, वही है जड़ पूरी बीमारी की, ठीक है ना। समझो बड़े साहब जो क्या है, हमारी बात को माना था साहब भी, हम का कहें। अरे कुछ भी करो भाई, मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा। सुनो साहब, हाँ जो विनती है हम आई या सोनी करने आपको का छू हम समझा। सुनो अपने मतलब बच्चों को सबको सेफ्टी अगर रखना है तो तुम यूज करो, ठीक है ना। हाँ साहब जान चले जाओ तो चले जाओ, बस साहब की बात पर ध्यान दीजिए। बिल्कुल ध्यान है हमारी। हाँ तो जाओ, आप आइंदा से नहीं आने हो गए? हाँ हाँ तो फिर आइंदा पुलिस बुला लें साहब। चलो चलो और भी देखते हैं यार, गाड़ी तो ही रखी है पैदल चल रहा है, इन्हें तो हक आने ही नहीं, गाड़ी से चल रही है। चलो तो आ बैठो। कितनी हकत यार, खदाने मदाने भर दी नहीं यार। मैं ना देखा तो मैं मास्क बिना मास्क लगा के तो मिला तुमने गई सर, मैं तो आदत पा गई। चलो आज ही माना है यार, चले। हाँ चलो चलो चलो, और भी देखते हैं। हमसे निकलेगी स्वच्छता की एक नदी, सल 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 कल 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 कल, एक धुली सी जिंदगी। अब ये किया है भी सब देखो, बेच रहे हैं पक्के और 100% का डट्टी हो गया है। ये भी डिब्बा ले ना, इन और देते ही धाओ गाड़ी पे ही धाओ तुम उतरो। साल आज जब तक मैं हूं साले में टट्टी नहीं होने दी। चलो साहब चलो, आज इनकी टट्टी भी देखता हूं। इरादा कर लिया हमने देश से अपनी वादा। अपनी नौकरी नौकरी, अरे मेरी नहीं तेरी भी साथ में पकड़ उसको, पकड़ साले को। अभी एक कौन कर रहा है अभी आदि मानो उठ जा, क्या कर रहे हैं अभी? तेरी टट्टी में रोक के रहूंगा अभी, सोच ले अभी मैं फोन लगा दूंगा पुलिस को। उठ जा साहब, अब जितने करोड़ साहब उतने छुटा ले साहब। छोटा छोटा मैं कुछ नहीं आता, रुक जाओ मैं पुलिस को फोन लगाता हूँ।
एक सेकंड में चीज डट सालो आज से आदि मानो मेरे को मैं कितनी बार समझाया वन शक्ति मत सब जो तो बैठा था जात तो हमने होने ही कत्तो मोर से कहता चले मुत में तो जात तो गजब है आज के तही तो किया थे कहते बैठ जाते सुनो सुनो इतनी तो बैठी का मैं तो बैठ लो नहीं रुको साहब की बात सुनो बस साहब की है उसने टट्टी की तो नहीं इसमें कोई गया नहीं हमने कर लिया थी उठा लिया क्यों सचिव हाँ साहब इन पे कुछ ना एक्शन करूंगा कहो हम कह के परेशान है उनसे हाँ बात ही नहीं माना देखो सर भी किया बहुत ज्यादा लगा फोन लगा तुम अभी लगा पुलिस को लगा दो लगा साहब जो साहब गलती हो अब ये साहब अरे तुम साहब यही कर रहे हो सुनो सुनो यहां सुनो उन्होंने टट्टी की ना वहां पे आओ की ना आओ गई है साहब मैंने बोल रहा था देर से करिए साहब क्योंकि मैं बोल रहा था ना देर से साहब गई थी साहब तो सुन सुन इससे अब मैं तेरे को समझाता हूँ तुम लोगों उसको छोड़ यहाँ यह सुन पहले मैंने तो सब कछु नहीं कहा पाओ साहब अरे सुन ले पहले सुन तो ले साहब जो मैं कहता हूँ साहब जो मैं नहीं आते सुनो सुनो तुम क्या नालायक लोग हैं सजे फिर पहले सुनो इन लोगों के घर शौचालय है ना है यूज ही नहीं कर रहे अबे कहते होते समय नहीं जाते सचिव इनके घर शौचालय नहीं सब बनवाई थी तुम लोग ही खाए का हमारी अरे सब कंडा भाई थे हमने की तो ऐसी कास हो गए कंडा भाई बनी है सब बनी हाँ तो वही तो इसलिए आनी है ठीक है नहीं आ साहब तेरे एक समझाओ जनता पे सुध जेल में तुम्हें नहीं बोला साहब जेल में नहीं जेल में तुम गजब तुम्हारी सब राम मान जी जिस आज आपका कितने खराब लायक का दोई का बात नहीं मानो सुनो सुनो तुम तो सही है तुम भी मानो और गांव वालों को भी बोलो ठीक है साहब हम तो ई को कॉल खाए हम नहीं आवा हैं हां बीमारी होती है बहुत अंदाजे नहीं क्या अब तो शौचालय में सब छोटे छोटे बच्चों में पोलियो वगैरह हो जाता है जैसे कोई लंगड़ा हो जाता है कोई लूला किसी की आंख वगैरह जो भी है इनसे हो साहब जो हाँ इन्हीं से हो तो अब नहीं है हमें हाँ तो इससे मतलब बीमारी मतलब तुम लोगों को बहुत परेशानी है महीनों बारे में तुम कितने पैसे देते हो पता है डॉक्टर को साहब बहुत देते है इसी वजह से तुम लोग आगे नहीं बढ़ पाते ठीक है ना आप तो जो कर लगा कितने मतलब चले हमारी तो साजी है थी अब मौन जा हां फिर ये ना सोते लगा में है ना अब साहब हां तो घर में यूज करो ठीक है सब लोग जान दो साजी अब नहीं आज जी हमारे संग अब मैं जज बने हम तो खुद अपनी हम तो साहब हो गए हमारे सही समझ गए अगर आइंदा से आए ना तो सचिव की खाऊंगा तुम लोगों को एक्शन करूंगा सीधी बात पे झूठ कर लगा करने गई के जेल में डलवा देगा हमें ही साहब चल जाए तो चला ही जाए ए तू उठा अपना उठा अबे वो ए वो वो बोनी ए टट्टी आगे टट्टी नहीं ये डब्बा है डब्बा है टट्टी जो उठा देगा तो भाई तो गया था साहब अरे तो डब्बा की बोली डब्बा की बोली जा हम चाहे जहां टट्टी कट जा दो जने कट जा है मैं रखेगा टट्टी मैं तो पूरा बात चलो साहब का मूड खराब कर रहा है इनने चलो साहब अब तो ये मान जाएंगे कि नहीं अब तो माने नहीं माने तो चौकीदार से कह दो एक दो भी हां तो चौकीदार को बुलाओ जल्दी बुलाओ चलो वाह भैया साहब ने बुलाओ वाह तनक सुन भागे जल्दी साहब मैं सोचा तू भाग गए हैं अभी नहीं भागी साहब जयराम पहुंचे साहब क्यों चौकीदार क्यों तुम देखता नहीं है क्या यहाँ पर मैंने चार चार लड़कों को पकड़ा भी यार मैं साहब जो ना उतर पे देखा जो ना साहब इतर पे कहा जाता अरे तुम नजर डाल पैसे किस लिए देते हैं यही के लाने दे पाई जा समझाओ इसको यार वरना इसकी हमारी बात कौन भी माना हम साहब उतर पे बैठे हैं जो ना इतर पे भी आ जाते तो देखो देखो अभी तो मैंने समझा दिया उन लोगों को बहुत बहुत खराब है रोड पे यहाँ पे सब जगह पे बहुत यार। अरे सर हम क्या बताएं आपको एक बात ही नहीं माना चौकीदार चौकीदार ठीक से निभाओ अपनी नौकरी हाँ। आप साहब अपन ने किया था आप साहब हम ऐसा कहें के बीच के बीच में बैठे रहे वही तो कुछ नहीं डंडे आए थोड़ा उसको भड़काओ थोड़े धमकाओ यूज करो डंडे को तना धमकाओ पर कुछ प्रॉब्लम आए हम लोगों को बोलो डंडा मार दी साहब फिर भी अकेले में हमें हमें कुटाई कर ले नहीं नहीं अब तुम्हें समझा दिया बहुत विस्तार से मतलब अब तुम मान जाएंगे पर नहीं मानेंगे बोल देना आपकी और सालों को मैं जेल में पढ़वा दूंगा बिल्कुल साफ बिल्कुल साफ चलो तो मैं साफ चौकीदार देंगे आपके साफ हम बिल्कुल धुन का ही कह दें साफ आओ जा दम देखें साफ बिल्कुल देखें साफ तो राम राम भैया सब हमारी राम राम है वह जो जो वीडियो बना है स्वच्छ भारत मिशन पे तो ई खो जाना शेयर करने अपन को आओ ई से कि भैया जो स्वच्छ भारत मिशन पे बने हुए अपन इनको पालन भी करना है आओ सब जनन इनसे जो भी जो बीमारी जो वायरस कोरोना जो भी है जो भी जो बीमारी आई
सब सबसे बड़ी जड़ तो यही है भैया, बाहर सोच नहीं करने, शौचालय बनी को इस्तेमाल करने का भैया। तो बस एक जो हमारी तरफ से संदेश है, मतलब कॉमेडी के माध्यम से जो संदेश है ऐसे भेजो कि मतलब इसको पालन करें, जरूर पालन करें। कहा कि इसे अपन हो भी बहुत इफेक्ट पड़ा, अपने बच्चन पे वजह ना पाए तो ही अपन हो कि बच्चन में अगर बीमारी हो जाए तो कोई लूली हो जात, लंगड़ी हो जात, यही तो बस पोलियो यही तो है, यही सब यही मतलब जाई मुख्य जड़ यही है बीमारी की। तो समय तो पोलियो की दवाई दो नहीं हुआ बात यही है। तो सबसे समय से निवेदन यही है कि वो शेयर करें और इको देखें, अच्छे से देखें, बहुत अच्छा वीडियो है और जो संदेश हमने यही यही वजह से बनाया कि सब लोग इसको पालन करें, अच्छे से सख्ती से पालन करें, बस सीधी बात जा है। और ग्राम पंचायत में जाना की ऐसी स्थिति बनाते हैं और जो शौचालय बनवाए हैं उनको भी अच्छे से यूज करें, उन्हें उनमें मतलब ये आवाज आवाज ये सब चीज़ें नहीं हैं, उन्हें सिर्फ मतलब सोच के लाने इस्तेमाल करें। तो सब जी के वो लाइक और सब्सक्राइब सुखाइए जरूर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय बुंदेलखंड। जय बुंदेलखंड।